असलम वेलकम टू इंग्लिश फे शहजाद आई होप यू आल आर फाइन स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश लेसन नंबर थ्री के पेज नंबर वन की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे बुक के अकॉर्डिंगली ये पेज नंबर एटीन है और चैप्टर के अकॉर्डिंगली पेज नंबर वन है सो लेट्स गेट स्टार्ट टाइटल ऑफ द लेसन इज डार्क देवर एंड गोल्डन आइड रिटर्न बाय रे ब्रेडबरी वो स्याह रंग के थे और सुनहरी आंखों वाले थे डार्क स्याह काले गोल्डन आइड सुनहरी आंखों वाले द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मीडो विंड्स रॉकेट की धात सब्जाजार की हवाओं में ठंडी पड़ गई रॉकेट का रॉकेट लिखेंगे या मिसाइल भी लिख सकते हैं मेटल धात लोहा कूल्ड ठंडा हो गया मीडो सब्जाजार विंड्स हवाएं। इट्स लिट गेव अ बल्गिंग पोप इसके ढक्कन से एक उभरती हुई आवाज़ आई इसके ढक्कन से एक ज़ोरदार आवाज़ आई लिड ढक्कन बलगिंग उभरती हुई ज़ोरदार चटाख जैसी पोप आवाज तेज़ आवाज फ्रॉम इट्स क्लोक इंटीरियर इसके डायलों वाले अंदरूनी हिस्से से इसके बटनों वाले अंदरूनी हिस्से से स्टेप कदम रखा अ मैन एक आदमी ने अ मैन एक खातून ने एंड थ्री चिल्ड्रन और तीन बच्चों ने इसके डायलों वाले अंदरूनी हिस्से से एक आदमी एक औरत और तीन बच्चों ने बाहर कदम रखा क्लोक इंटीरियर डायलों वाला अंदरूनी हिस्सा या फिर बटनों वाला अंदरूनी हिस्सा यह कौन सा हिस्सा होता है जहां से रॉकेट को ऑपरेट किया जाता है उसे कहते हैं द अदर पैसेंजर्स दूसरे मुसाफिर वर्ल्ड अवे हवा हो गए हवा में उड़ गए अक्रॉस द मार्शियन मीडो मरीखी सब्जाजार के पार अक्रोस पार मार्शन मरीख नीडो सब्जाजार दूसरे मुसाफिर मरीखी सबजाजार के पार हवा हो गए लिविंग द मैन अलोन अमंग इस फैमिली आदमी को उसके खानदान के साथ तन्हा छोड़ के लिविंग छोड़ना अलोन तनहा अकेला अमंग के साथ के माबे फैमिली खानदान दूसरे मुसाफिर आदमी को उसके खानदान में तनहा छोड़कर मरीखी सब्जार में हवा हो गए द मैन फेल्ट इज़ हेयर फ्लटर आदमी को उसके बाल फड़फड़ाते हुए महसूस हुए आदमी को उसके बाल लहराते हुए महसूस हुए फेल्ट महसूस किया फ्लटर लहराना फड़फड़ाना एंड द टिशूज़ ऑफ़ इज़ बॉडी ड्रॉ टाइट और उसके जिसम के रेशे अकड़ गए थे टिशूज़ रेशे ड्रॉ टाइट खिंच जाना अकड़ जाना आदमी को उसके बाल लहराते हुए महसूस हुए और उसके जिस्म के रेशे अकड़ गए थे एज जूही जैसे ही एज इफ ही वर स्टैंडिंग जैसा कि वो खड़ा था, था एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम खला के वस्त में सेंटर वस्त या दरमिया वैक्यूम खला आदमी को उसके बाल फड़फड़ाते हुए महसूस हुए और उसके जिस्म के रेशे अकड़ गए थे जैसा कि वो ख़ला के वस्त में खड़ा हो हिज़ वाइफ उसकी बीवी बिफोर हिम उसके सामने सीम दिखाई दी लगी आलमोस्ट तकरीबन टू विल अवे इन स्मोक धुएँ में हवा होती हुई धुएँ में गुम होती हुई विल अवे खो जाना गुम हो जाना हवा हो जाना उड़ जाना बिफोर हिम उसके सामने सीम दिखाई दी उसकी बीवी उसके सामने तकरीबन धुएँ में गुम होती दिखाई दी द चिल्ड्रन बच्चे स्मॉल सीड्स छोटे बीजों की तरह माइट एट इंस्टेंट किसी भी लंबे बी सोन उड़ सकते थे बिखर सकते थे टू ऑल द माशियन क्लाइम्स मरीखी आबो हवा में मरीखी मौसमों में क्लाइम्स मौसम आबोहवा मौसम ज्यादा मुनासिब रहेगा यहाँ पे स्माल सीट छोटे बीज इंस्टेंट लम्हा सोन फेंकना बिखेरना यहाँ पे मुसनफ ने बच्चों को छोटे बीजों के साथ तशबी दी है बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे किसान बीज को बिखेरते हैं फ़सल में फेंकते हैं इसी तरह मरीख पर हवा इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली थी कि बच्चे भी उस हवा में बीजों की तरह किसी भी लम्हे उड़ के इधर से उधर जा सकते थे द चिल्ड्रन लुड अप एट हेम बच्चों ने ऊपर उसकी जानब देखा एज़ पीपल लुक टू द सन जैसा कि लोग सूरज की तरफ देखते हैं टू टेल बताने के लिए वट टाइम ऑफ देर लाइफ इट इज़ कि ये उनकी ज़िंदगी का क्या वक्त है बच्चों ने ऊपर उसकी तरफ देखा जैसा कि लोग सूरज को देखते हैं बताने के लिए कि उनकी ज़िंदगी का क्या वक्त है पुराने वक्तों में लोग इसी तरह सूरज देख के टाइम जाना करते थे तो इस तरह से बच्चों ने उसकी जाने बिल्कुल ऊपर को देखा है जैसे लोग सूरज को तकते थे हिज फेस वॉज कोल्ड उसका चेहरा जर्द था उसके चेहरे का रंग उड़ गया रॉन्ग क्या गड़बड़ है क्या परेशानी है क्या खराबी है आज इज वाइफ उसकी बीवी ने पूछा उसकी बीवी ने पूछा क्या गड़बड़ है लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट आओ रॉकेट पर आओ मिसाइल पर वापस चलते हैं ये हैरी ने बोला है उस आदमी ने बोला है कि आओ मिसाइल पर वापस चलते हैं तो उसकी बीवी कहती है गो बैक टू द अर्थ क्या ज़मीन पर वापस जाने के लिए तो वो कहता है यस हाँ लिसन गौर से सुनो बात सुनो द wind blew हवा चलती थी एज इफ टू flake अवे देर आइडेंटिटीज़ जैसा कि उनकी शनाख्तों को उड़ा ले जाएगी विंड हवा ब्ल्यू चली flake अवे उड़ा ले जाना आइडेंटिटीज़ शनाख्तें हवा ऐसे चलती थी जैसे उनकी शनाख्त को उड़ा ले जाएगी एट एनी मोमेंट किसी भी लम्हे द मार्शियन एयर मरीखी हवा माइट ड्रॉ his सोल उसकी रूह को निकाल लेगी ड्रॉ खींचना निकालना सोल रूह from हिम उसमें से किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसमें से उसकी रूह को निकाल सकती थी एज जैसा कि मैरो कम्स फ्राम अ वाइट बोन गोदा सफ़ेद हड्डी से निकलता है मैरो बोन मेरो आपने मुकम्मल लफ्ज पढ़ा होगा बायो में तो मैनो मैरो और बोन दोनों का तर्जुमा सेम ही है हड्डी का गोदा, गोदा, गाफ वाओ दाल अलिफ वाइट बोन सफ़ेद हड्डी किसी भी लम्हे मरीखी हवा उसमें से उसकी रूह को निकाल सकती थी जैसा कि सफ़ेद हड्डी से गोदा निकलता है ही फेल्ट सब मर्ज उसने मगलूब होते हुए महसूस किया फेल्ट महसूस किया सब मर्ज गर्क होना मगलूब होना जिसको मिक्स होना कहते हैं अ केमिकल एक कीमियाई मादे में एक केमिकल में दैट को डिज़ोल्व हिज इंटिलेक्ट जो उसकी जहानत को छीन सकता था एंड बर्न अवे हिज़ पास्ट और उसके माजी को जला सकता था उसने एक कीमियाई मादे में गर्क होते हुए महसूस किया जो उसकी जहानत को छीन सकता था और उसके माजी को जला सकता था डिज़ोल्व गर्क हो जाना छीन लेना मिटा देना इंटिलेक्ट हाफज़ा जहानत यादाश्त बर्न अवे जला देना पास्ट माजी दे लुड एट द मार्शियन हिल्स उन्होंने मरीखी चट्टानों की जानब देखा दैट टाइम हैड वॉर्न विद क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स जिसे ज़माने के तबाह कुन दबाओ ने तोड़ फोड़ दिया था उन्होंने मरीखी चट्टानों की जानब देखा जिन्हें ज़माने के तबाह कन दबाओ ने तोड़ फोड़ दिया था वार्न तोड़ देना तबाह कर देना क्रशिंग प्रेशर तबाह कुन दबाओ ऑफ यर्स ज़माने का दिस उन्होंने देखा द ओल्ड सिटीज़ पुराने शहरों को लोस्ट इन दर मिडोज़ जो अपने सब्जा में खो गए थे उन्होंने पुराने शहरों को देखा जो अपने सब्जा में खो गए थे लिंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स जो बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे अमंग द लेक्स ऑफ ग्रास घास की लहला झीलों के मा बैन। उन्होंने पुराने शहरों को देखा जो अपने सब्जाजारों में खो गए थे घास की लहलहाती झीलों के मा बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे लोस्ट खो गया, मिडोज सब्ज़ाज़ार, लेंग मौजूद होना पड़े हुए होना डेलिकेट नाजुक बोन्स हड्डियाँ ब्लोइंग लहराती हुई लेक्स झीलें ग्रास घास यहाँ भी उसने तशबी का सहारा लिया है बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चों की हड्डियाँ कम वजन होती हैं तो सिर्फ हड्डियाँ अगर कहीं पर पड़ी हैं तो हवा तेज़ चले तो हड्डियाँ इधर से उधर उड़ती फिरेंगी तो वो बताना ये चाह रहा है कि पुराने जो घर थे पुरानी आबादी जो वहाँ पर आबाद थी शहर था वो इस कदर टूट फूट गया था कि उसका जो मलबा था वो हवा में इधर उधर उड़ता फिरता था चिनप हैरी हैरी खुश हो जाओ इज़ वाइफ उसकी बीवी ने कहा उसकी बीवी ने कहा हैरी खुश हो जाओ इट्स टू लेट बहुत देर हो गई है वी हैव कम ओवर सिक्सटी मिलियन माइल्स हम छः करोड़ मील दूर आ चुके हैं वी हैव कम हम आ चुके हैं ओवर सिक्सटी मिलियन माइल्स छः करोड़ मील दूर द चिल्ड्रन विद येलो हेयर होलर्ड पीले बालों वाले बच्चों ने चीखो पुकार की होलर्ड चीखो पुकार करना चीखना चिल्लाना एट द डीप डोम ऑफ द मार्शन स्काई मरीखी आसमान के वसीम महराब में डीप गहरा वसी डोम मेहराब पीले बाले बालों वाले बच्चों ने वसी मरीखी आसमान के मेहराब में चीखो पुकार की दे वॉज नो आंसर वहाँ कोई जवाब ना था बट द रेसिंग हिस ऑफ विंड बल्कि हवा की तेज सनसनाहट थी वहाँ तेज हवा की सनसनाहट के अलावा कोई जवाब ना था थ्रू द स्टिफ ग्रास अकड़ी हुई घास में से थ्रू में से के जरिए स्टिफ अकड़ी हुई सनसनाहट रेसिंग हिस तेज सनसनाहट वहां अकड़ी हुई घास में से तेज हवा की सनसनाहट के अलावा कोई जवाब ना था ही अप द लगेज उसने सामान उठाया इन इज कोल्ड हैंड्स अपने सर्द हाथों में अपने ठंडे हाथों में उसने अपने ठंडे हाथों में सामान उठाया हे वो गो आओ हम चलते हैं ही सेड उसने कहा उसने कहा आओ हम चलते हैं A मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ सी एक समंदर के किनारे पर खड़े हुए आदमी की तरह रेडी टू wade, जो चल कर जाने के लिए तैयार हो in उसमें and बी drowned और गर्क होने के लिए डूबने के लिए आओ हम चलते हैं उसने कहा एक समंदर के किनारे पर खड़े हुए आदमी की तरह जो उस कर उसमें चल कर जाने और डूबने के लिए तैयार हो स्टैंडिंग खड़े होना एज किनारा सी समंदर रेडी तैयार वेड पानी में चलना समंदर में चलना ड्रोन डूबना उसने कहा आओ हम चलते हैं समंदर के किनारे पर खड़े हुए आदमी की तरह जो उसमें चलकर जाने और डूबने के लिए तैयार हो द्घ इन टू टाउन वो चलते हुए कस्बे में चले गए वो चलकर कस्बे में चले गए द नेम्स बिटरिंग हैरी एंड इज़ वाइफ कोरा उनके नाम बिटरिंग और उसकी बीवी कोरा थे डैन लोरा एंड डेविड उनके नाम बिटरिंग उसकी बीवी कोरा डैन लोरा और डेविड थे दे बिल्ट अ स्मॉल वाइट कॉटेज उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी तामीर की बिल्ट तामीर किया स्मॉल छोटी या छोटा वाइट सफेद कॉटेज झोंपड़ी एंड एट गुड ब्रेकफास्ट और जी भर या पेट भर खाना खाया गुड ब्रेकफास्ट अच्छा नाश्ता नहीं पेट भर नाश्ता जी भर के नाश्ता करना देर वहाँ उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी तामीर की और वहाँ जी भर के नाश्ता किया बट द फियर वॉज नेवर गौन लेकिन डर कभी ना गया फियर डर नेवर कभी नहीं गौन चला गया उन्होंने एक छोटी सफ़ेद झोंपड़ी तामीर की और वहाँ जी भर के नाश्ता किया लेकिन डर कभी ना गया इट ले विद मिस्टर एंड मिसिज बिटरिंग ये मिस्टर और मिसि बिटरिंग के साथ रहा अ थर्ड अनबिडन पार्टनर एक तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह थर्ड तीसरा अनबिडन बिन बुलाया पार्टनर साथी दोस्त मेहमान एट एवरी मिड नाइट टॉक हर आधी रात की गुफ्तु में ऐट एवरी डॉन अवेकनिंग हर सुबह की बेदारी में ये हर आधी रात की गुफ्तु और हर सुबह की बेदारी में तीसरे बिन बुलाए मेहमान की तरह मिस्टर और मिसि बिटरिंग के साथ रहा मतलब ये है कि इंसान किसी ऐसी जगह पे अगर रहता हो कि जो बिल्कुल तनहा है सन्नाटे वाली है तो रात को जब वो घर में अकेला होता है सोने के वक्त या सुबह जागते वक्त तो उसे ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे पास भी आस पास भी कोई है यानी सिंपली मुसनफ़ कहना यह चाह रहा है कि ये डर था जो उनके दिल में बैठ गया था हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल मैं एक नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ फील महसूस करना सॉल्ट नमक लाइक की तरह क्रिस्टल टुकड़ा ही सेड उसने कहा उसने कहा मैं एक नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ इन माउंटेन स्ट्रीम जो एक पहाड़ी नदी में स्ट्रीम नदी बींग वॉश्ड अवे घुलता जा रहा हो वॉश अवे घुल जाना मिल जाना उसने कहा मैं एक नमक के टुकड़े की तरह महसूस करता हूँ जब पहाड़ी नदी में घुलता जा रहा हो वी डोंट बिलोंग हेयर हमारा ताल्लुक यहाँ से नहीं है हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते बिलोंग ताल्लुक नस्बत वी आर अर्थ पीपल हम ज़मीनी लोग हैं दिस इज़ मार्स ये मरीख है इट वॉज़ मीट फॉर मार्शन्स ये मरीखियों के लिए बना था मीट के लिए की खातिर फॉर हैवन सेक खुदा के वास्ते हेवन जन्नत या आसमान नहीं है यहां पे इसका मतलब हेवन सेक खुदा के वास्ते सेक की खातिर के वास्ते कोरा कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम आओ घर जाने के लिए टिकट खरीदते हैं खुदा के वास्ते कोरा आओ घर जाने के लिए टिकट खरीदते हैं बट शी ओनली शूक हैड लेकिन उसने सिर्फ नफ़ी में अपना सर हिलाया ओनली सिर्फ शूक सर हिलाया हिलाया नफी का तासुर हम यहाँ पे ख़ुद लेंगे क्योंकि यहाँ पे जुमला जो है वो नफी का तासुर शो कर रहा है इनकार का तासुर शो कर रहा है तो इसलिए तर्जमा होगा लेकिन उसने सिर्फ नफी में अपना सर हिलाया वन डे द एटम बाम विल फिक्स द अर्थ एक दिन एटम बम जमीन को तबाह कर देगा फिक्स तबाह करना यहाँ पे इसका मतलब तबाह करना है वैसे फिक्स के कई एक मायने हैं ठीक करना भी होता है इना फिक्स अगर हो तो उसका मतलब होता है परेशान होना परेशानी में होना मुसीबत में होना देन वील बी सेफ हेयर फिर हम यहाँ महफूज होंगे एक दिन एटम बम जमीन को तबाह कर देगा फिर हम यहाँ महफूज़ होंगे जी तो स्टूडेंट्स लेसन मुकम्मल हुआ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इनशाला नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इसका सेकेंड पेज पढ़ेंगे टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़